भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तानी स्थित आतंकी ठिकानों पर की गई सर्जिकल स्ट्राइक के 2 साल पूरे हो गए हैं। सरकार इसे पराक्रम पर्व के रूप में मना रही है। देश भर में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और भारतीय जवानों के पराक्रम के बारे में बताया जा रहा है। गोरखपुर विश्वविद्यालय और NCC हेडक्वार्टर द्वारा इस अवसर पर सर्जिकल स्ट्राइक दिवस के रूप में मनाया गया। गोरखपुर विश्वविद्यालय के दीक्षा भवन में आयोजित सर्जिकल स्ट्राइक दिवस पर भारतीय सेना के गौरव और रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति छात्र छात्राओं द्वारा किया गया। साथ ही दीक्षा भवन में सर्जिकल स्ट्राइक और सेना के कर्तव्यों को कैनवस के माध्यम से विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा जीवंत तस्वीरों की एक प्रदर्शनी भी लगाई गई। इस अवसर पर गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रोफेसर कैप्टन विनीता पाठक ने कहा कि गोरखपुर विश्वविद्यालय और NCC हेडक्वार्टर ने संयुक्त रूप से सर्जिकल स्ट्राइक दिवस का आयोजन किया, जिसमें विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं और NCC कैडेटों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और उन्होंने सांस्कृतिक मंचन कर वीर जवानों को याद किया। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रोफेसर कैप्टन विनीता पाठक ने कहा, ज्यादा लगता है जहाँ तक के बॉर्डर से संबंधित जब हम बात करते हैं वो मजबूत होनी चाहिए, तो उन्होंने सारे हिंदुस्तान के अंदर आके अपनी जगह बनाई और अभी उनको गवर्नमेंट के लिए साइकिल कठिनाइयाँ हो गई। हमारे संदर्भ में इंडिया के बॉर्डर से संदर्भ में एक अलग की पहचान है, क्योंकि हमारे जम्मू कश्मीर से आप सभी जानकारी रखते हैं कि आज़ादी के जब दो देशों का विभाजन हुआ तो ये एक प्रांत माना जाता था, लेकिन महाराजा हरि सिंह उस वक्त के जो वहाँ के राजा थे उन्होंने देखा कि इसमें हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं और लद्दाख रीजन के बुद्धिस्ट लोग भी हैं बहुत। लेकिन 15 अगस्त 1947 को विभाजन हुआ और सितंबर के पहले हफ्ते में पाकिस्तान की तरफ से बहुत बड़ी तादाद में घुसपैठ हुई और घुसपैठ भी ऐसी इस मकसद से कश्मीर की एक खास बात है कि जब राजा ने देखा कि हमारी तो अपनी होनी बिल्कुल खतरे है, तब उन्होंने हिंदुस्तान को दरख्वास्त करी कि मैं आपकी मदद चाहता हूँ और उस मदद पे कुछ जो भी शर्त है उसमें बोला हमें मंजूर है, हम आपको डिफेंस कम्युनिकेशन और एक्सटर्नल अफेयर्स का अधिकार देंगे। मैंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को साइन किया तो हिंदुस्तान की गवर्नमेंट डोमिनियन ऑफ इंडिया के साथ ये देश को जाने के लिए तैयार हुई। कश्मीर का हिस्सा था लेकिन वो भी चाइना ने उसको कब्जा कर लिया और इसके साथ जैसे सिक्किम आता है, सिक्किम 1975 के अंदर जब हिंदुस्तान का हिस्सा बना जिसे चाइना बोलता है कि एक आज़ाद देश है, लेकिन हिंदुस्तान के वो एक स्टेट है इस वक्त हिंदुस्तान की, तो उसी की एक अपनी पेचीदगी है। अरुणाचल प्रदेश पहले इसको जब ये विभाजन हुआ दोनों देशों का, क्योंकि आपको पता है कि जब समूह भारत इकट्ठा था तो बाउंड्री कहाँ तक थी, तो अफगानिस्तान से जितने भी वहाँ भी जो फ्रंट लाइन उनके भी जो पठान और पश्तून लोग थे वो भी मानते हैं कि उनकी बहुत सारी सरहदें पाकिस्तान के अंदर आती हैं। कि हर एक जो भौगोलिक और जो हिस्टोरिकल लैंग्वेज है जो उसी कुछ इतिहास है उससे संबंधित जुड़ी हुई बहुत सारी पेचीदगियाँ हैं, जिसका सीधा असर जो सैनिक वहाँ के रक्षा की ड्यूटी देते हैं उनको इन चीज़ों का समझ सरहद की जो साइंटिफिक है जो उसका मौजूद है उसको बनाया जाए। बॉर्डर मैनेजमेंट के अंदर ये भी महसूस किया गया, खासतौर पर हिंदुस्तान जैसे डिफेंस मिनिस्टर हैं वही, मतलब रेलवे जो भी आप कह लीजिए, सारी की सारी पावर एक आदमी के एक इंसान के पास है, उसके अंदर ही पूरा उस दबा रहा है। हालांकि पाकिस्तान भी डेमोक्रेटिक कंट्री है लेकिन Thank you.
2016 का दिन हम सब भारतीयों के लिए और भारतीय सैनिकों के लिए बहुत ही विशिष्ट दिन है। आज के दिन हमारे भारतीय सैनिकों ने, कमांडोज के एक दल ने, पाकिस्तानी आतंकवादियों को नेस्त नाबूद किया था। उनके जो उनका आतंकवादियों के जो अड्डे थे, ठिकाने थे, उसको नेस्त नाबूद किया था और अपना कोई भी जवान इसमें नहीं खोया था। तो आज के इस दिन को हम सर्जिकल स्ट्राइक डे के रूप में मना रहे हैं और हमारे दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और NCC मुख्यालय की ओर से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसके साथ साथ ललित कला विभाग के छात्र छात्राओं ने बहुत ही खूबसूरत इस विषय पर चित्रकला प्रदर्शनी भी लगाई है। साथ ही एक उनका बहुत अच्छा जेस्चर ये दिखाई पड़ा कि बिना किसी के कहे उन लोगों ने सैनिकों के लिए बहुत अच्छे कार्ड्स बनाए हैं और निवेदन किया है हमारे ब्रिगेडियर PPS बाजवा जी से कि ये उन तक अवश्य पहुँचा दिया जाए। आज के इस कार्यक्रम में NCC कैडेट्स, विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं का उत्साह देखते ही बनता है। विभिन्न देशभक्ति गीत इन लोगों ने प्रस्तुत किया और कैप्टन PPS बाजवा जी ने सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में बहुत अच्छे तरीके से अपना व्याख्यान प्रस्तुत किया, जिसे सभी ने सराहा और बहुत अधिक सभी लाभान्वित हुए। ऐसा नहीं है कि हम अपने सैनिकों के प्रति किसी एक दिन या आज का दिन बना के ही अपना नमन उनको प्रस्तुत करेंगे। वो जिस तरह से सरहद पर रह करके हमारे सुख चैन के लिए हमारी सुरक्षा करते हैं, उसके लिए वो हमेशा नमन के पात्र हैं और हम हमेशा ही उनका नमन वंदन करते हैं। आज का विशेष दिन उनके नाम है। धन्यवाद।